कुमाऊं आयुक्त ने यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भविष्य की योजनाओं के अलावा तकनीकी खामियों को लेकर भी चर्चा की गई। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल में 933 करोड़ का असेसमेंट हुआ है, जिसमें से 753 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। वहीं विद्युत चोरी को रोकने के लिए विजिलेंस टीम की सक्रियता निभाने को कहा है, साथ ही तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने और 132 केवी के नए चयनित सब स्टेशनों के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं और निर्माण की गुणवत्ता की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने ये यूपीसीएल और पिटकुल दोनों की ही मीटिंग ली थी और सबसे पहले आपने जो रेवेन्यू की बात की है तो 933 करोड़ के अभी तक टोटल असेसमेंट हुआ है। पूरे कुमाऊं की हम बात करें जिसमें 753 करोड़ का अभी तक हम लोग वसूल कर चुके हैं, तो 80% के आसपास इसका रियलाइजेशन है। लेकिन इसमें मैंने आपसे ये कहा था यूपीसीएल से कि जो आपके लॉसेज हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इसका मुझे ब्रेकअप वो बिजली घर वाइज दें। तो अभी क्योंकि मेरे पास सर्कल वाइज था तो उसमें भी अगर हम माने कि अगर टेक्निकल लॉस 12% के आसपास होता है तो उसके ऊपर के जो लॉसेज हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विद्युत की